सच हुआ साहेब का विश्व गुरु बनने का सपना, हार्ड वर्क से कोरोना का वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम किए अपना। दोस्तों, मेरे साथ आप भी माननीय सरकार को बधाई संदेश भेज दीजिए। विश्व गुरु बनने का संकल्प लेकर साहब सियासत में आए थे, आर्थिक, सामरिक या एजुकेशनल फील्ड में तो वो अभी वार्म अप कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के मामले में ज़रूर उन्होंने अपना परचम पूरी दुनिया में फहरा दिया है। उनके सफल नेतृत्व में टीम कोरोना ने एक दिन में जितने मामले भारत में दर्ज किए हैं उतना वो दुनिया के किसी देश में कभी दर्ज नहीं कर पाई है। साहब की इस उपलब्धि का खास तौर पर जिक्र करते हुए दुनिया के प्रतिष्ठित अखबार द गार्डियन ने शीर्षक दिया है, भारत में कोविड की लहर होती भयावह, 3,15,000 नए दैनिक मामलों का विश्व रिकॉर्ड। आप द गार्डियन के शीर्षक में से कोविड की लहर होती भयावह वाले हिस्सों को तो तुरंत इग्नोर कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप राष्ट्रद्रोही घोषित हो जाएंगे। दूसरा काम ये कीजिए, आप हेडलाइन से इस हिस्से को विदेशी साजिश बता दीजिए। अगर आप ये दोनों काम कर देंगे तो आपको हमारे सरकार की तरफ से तुरंत राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपसे आग्रह है कि आप साहब और उनके भक्तों की तरह सच्चे राष्ट्रवादी बनिए और शीर्षक के केवल विश्व रिकॉर्ड वाले हिस्से पर फोकस कीजिए, वही साहब की असली उपलब्धि है। वैसे अपनी इस उपलब्धि का अंदाजा साहब को पहले से था, तभी उन्होंने कोरोना मैच शुरू होते ही ताली थाली बजवा दिया था। अब जब कोरोना कप हकीकत में उनके हाथों में आ गया है तो आप नए सिरे से ताली थाली बजा सकते हैं, शंखनाद भी कर सकते हैं, घंटा घड़ियाल भी बजा सकते हैं। साहब अभी ये सब कुछ नहीं कर सकते, वो अभी अपने नए कोरोना रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए रात दिन हार्ड वर्क कर रहे हैं। हार्ड वर्क याद है साहब का ये कथनी, सरकार ने खुद बताया था कि कैसे उन्होंने अपने हार्ड वर्क से हार्वर्ड वालों को मात देने का जुगाड़ निकाला है। वैसे कोरोना कप हासिल करने के लिए सरकार ने वाकई गजब का हार्ड वर्क किया। कुछ देर पहले बंगाल में किया, रैली के बाद रैली, ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी, रैली के बाद महारैला। अपने तमाम मंत्रियों संतरियों की फौज उन्होंने बंगाल में उतार दी थी। नतीजा बंगाल चुनाव के बाद देखने की पूरी उम्मीद थी, उन्हें एक और सिपाह सलार उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में जो दमखम दिखा रहे थे उससे भी सरकार को कोरोना मैच में मदद मिलने की पूरी संभावना थी और मिली। लेकिन बुरा हो इन विदेशी मीडिया वालों का, सब सरकार के चुनावी हार्डवर्क पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उसकी चुनावी हरकतों की वजह से कोरोना जीत रही है, जिंदगी हार रही है। अच्छी बात यही है कि देश के ज़्यादातर मीडिया संस्थान अभी भी सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं, सब सरकार के चुनावी हार्डवर्क की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। बात भी सही है, सियासी सत्य तो चुनावी होता है, बाकी सब तो अपने साहब की मर्जी पर है।